हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं के ग्रू चैनल। दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ जिस तरह से हिना साहब जो है सिवान से दरभंगा जाने वाली है। दोस्तों इस बीच में दोस्तों हिना साहब ने एक लेटर जारी किया। दोस्तों लेटर में क्या कुछ लिखा है मैं एक एक करके बताने वाला हूँ। दोस्तों ये आप लेटर देख रहे हो और अपने स्क्रीन पर भी लेटर देख सकते हो, खुद पढ़ सकते हो दोस्तों क्या उन्होंने जो है लेटर में जारी लिखकर जारी किया है। दोस्तों दरअसल दोस्तों काफी कुछ जो है, जब जैसे लोगों को पता चला कि हिना साहब जो है दरभंगा जाने वाली है, लोगों के दिल में कुछ और कुछ चलने लगा। दोस्तों काफी कुछ जो है फेसबुक हो गए, इंस्टाग्राम से लेकर दोस्तों यूट्यूब पे काफी कुछ उल्टा सीधा जो दोस्तों वायरल होने लगा। दोस्तों मगर इसमें दोस्तों क्या कुछ हिना साहब ने कहा है मैं एक एक करके पढ़ के बताने वाला हूँ, जरूर आप पूरा आप समझिएगा। मेरे प्यारे बिहारवासी, मैं शॉर्ट कट में सोचूंगा बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि काफी बड़ा लेटर है। आपको मैं जो है लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़ सकते हो जाकर। तो उन्होंने दोस्तों कहा, मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम बिरादरी करवा के स्थापना दिवस पर 28 नवंबर को मुझे दरभंगा जाना है। यानी किसी मुस्लिम बिरादरी कारवा के तरफ से जो दोस्तों वहां की उसकी स्थापना दिवस है, वहां पे दोस्तों वो हिना साहब वहां पहुंचेंगी। 3 महीने पहले वहां के संस्थापक जो थे वो लोग आए हुए थे, काफी रिक्वेस्ट किया हिना साहब से आने के लिए। दोस्तों इसके बाद जो है दोस्तों हिना साहब जो राजी हो गई, मगर उन्होंने और कुछ क्या आगे कहना चाह रही है दोस्तों थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में आपको बताऊंगा। दोस्तों क्योंकि मेरे पति मरहूम डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब इस स्थापना के प्रति बहुत ही रुचि एवं वे भी इस कार्यक्रम में अपने लोगों के साथ शामिल हुआ करते थे। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ ये कॉन्फ्रेंस और मुशायरा आयोजन किया गया है, यह एक पारिवारिक कार्यक्रम है, यानी एक पारिवारिक कार्यक्रम है, कोई राजनीतिक कोई कार्यक्रम नहीं है। दोस्तों सीधा हिना साहब जो कहा है कि दोस्तों कोई ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, कृपया आप लोग गलत अफवाह ना फैला। हमारा जो है पर्सनल ना कोई फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ना कोई ट्विटर, किसी भी सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं है। दोस्तों हिना साहब ने सीधा कहा हमारे किसी भी परिवार का किसी भी सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं है। तो जो भी अगर कुछ गलत होता है यानी कुछ भी अफवाह से आप लोग बचे, और ये जो है दोस्तों राजनीतिक मंच नहीं है, एक घरेलू मामला है, एक पर्सनली मामला है। तो आप लोग जो है इस प्रोग्राम में जिसको भी जाना है जा सकते हैं, मगर हाँ कोई राजनीतिक समझ कर नहीं जाना है, कोई वहाँ पे हल्ला गुली नहीं करना, शांति से जाना है वहाँ, कोई नारेबाजी भी नहीं करना है। दोस्तों सीधा हिना साहब ने जो है दोस्तों इस लेटर में जो है साफ सुथरा कहा है। दोस्तों तो मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि हिना साहब ने क्या चिताया लोगों को, अपने लोगों को, जो उन्होंने कहा कि जो हमारे लोग खास लोग हैं ये गलती ना करें, ये कोई राजनीतिक जो है प्रोग्राम नहीं है, कोई रैली नहीं है, बस जो है वहाँ पे आप लोग शामिल हो साथ में चले, मगर जो है वहाँ पे कोई भी नारेबाजी कोई भी राजनीतिक मंच ये नहीं है, एक पारिवारिक जो है रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता के हिसाब से मैं वहाँ जा रही हूँ। दोस्तों साफ जो है लेटर में इन्होंने कहा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बस यही थोड़ा सा बताना था। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय।